आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ फोर्स? फोर्स क्या है? फ्लो ऑफ हीट, एबिलिटी टू मूव, एबिलिटी टू वर्क, पुश और पुल ऑफ एनी काइंड। ठीक है, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, अगर आपने इसको पुश किया, ठीक है, पुश किया तो होता क्या, ये पुश जाता है तो कुछ इसका डिस्प्लेसमेंट जाता है, कुछ इस तरह यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने इसको पुल ही किया वापस से, पुल कर रहा हूँ, अगर इस बारी पुल कर रहा हूँ तो पुल में क्या होगा, जब ये यहाँ पर था तो कुछ यहाँ पर आ जाएगा ये। ठीक है, तो पुश और पुल मतलब अगर हम बेसिकली पुश पुल में क्या करते हैं, हम अपने मस्कुलर फोर्सेस का यूज करते हैं, हम बेसिकली फोर्स लगाते हैं। ठीक है, लगाते हैं फोर्स, तो फोर्स से होता क्या है कि एक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होता है, मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि पुश और पुल होता है। ठीक है, पुश होता है या पुल होता है, तो फोर्स हमेशा किस फॉर्म में लगता है, पुश या पुल में। जो फ्लो ऑफ हीट होती है, फ्लो ऑफ हीट बेसिकली कुछ नहीं है, फोर्स फ्लो ऑफ हीट नहीं करवाता। एबिलिटी टू मूव इज मोशन, फोर्स नहीं कर पाता। ठीक है, मूव तो करा देगा, पर एबिलिटी टू मूव में फोर्स बेसिकली पुश और पुल होते हैं। ठीक है, ये तो उसका कॉज है कि फोर्स करता क्या है, फोर्स मूवमेंट क्रिएट कराता है। एबिलिटी टू डू वर्क ये भी गलत है। ठीक है, एबिलिटी टू डू वर्क इज बेसिकली एनर्जी, कि हमारे पास कितनी एनर्जी है किसी काम को वर्क करने के लिए कितनी एनर्जी है उसको बोलते हैं एबिलिटी टू डू वर्क। पुश और पुल ऑफ एनी काइंड, तो फोर्स एक बेसिकली पुश और पुल है किसी भी टाइप का। तो करेक्ट आंसर क्या है, डी ऑप्शन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।